ज्वालामुखी तपस्या। हाँ, ज्वाला कहते हैं अग्नि को, अग्नि माना ज्ञान के आधार पर नहीं, धारणा के आधार पर नहीं, सर्विस के बल पर नहीं, सिर्फ योग अग्नि के ज्वाला जागृत करने के आधार पर ज्वाला रूप बनना है पुरुषार्थ। जब योग बल के आधार पर ही सारी विश्व की बात सही प्राप्त की जा सकती है, तो योग माने ज्यादा याद करना है, ऐसे ही है। योग का मतलब याद है, योग का मतलब लवलीन। तो खाली बैठ के मैं ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा मैं होगा ना, उसको लवलीन नहीं कहा जाता। प्रैक्टिकल दिखाना, काम करते, बातचीत करते, चलते फिरते, लगन वही लगी रहे। इसलिए कहते हैं किसी को समझाते हो तो याद में समझाते हो तो तीर लगेगा। बोलते समय, समझाते समय, देखते समय, जिज्ञासु को देखना तो पड़ता है, उस समय भी लवलीन स्टेज होगी तो सुनने वाले के ऊपर तुरंत असर पड़ेगा।